हाय स्टूडेंट्स हवाई योल कैसे हो आप लोग ये जो क्वेश्चन है हर तीसरे स्टूडेंट के मन में आता है जब वो बीकॉम या फिर कोई और कोर्स कंप्लीट करता है कि जो आगे का कोर्स है जिसे आफ्टर बीकॉम आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो वो मैं कैसे करूँ रेगुलर करूँ कि ऑनलाइन करूँ आपको पता होगा रेगुलर कोर्स वो हो गया जिसमें आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू और आप रेगुलर अपने कॉलेज में जाते हो क्लासेस अटेंड करते हो डिस्टेंस उसे कई नाम दे देते हैं हम डिस्टेंस बोल दीजिए कोरोस्पॉन्डेंस बोल दीजिए ऑनलाइन आप बोल सकते हो जिसमें हमें जाना नहीं होता आप अपने घर से एडिशन वगैरह ले सकते हैं और आप तैयारी अपने घर से ही करेंगे बस आपको एग्ज़ाम देने हैं कुछ जगह पर तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होते हैं कुछ जगह पर सेंटर्स पर जाकर एग्ज़ाम देना होता है तो ये दो तरह के कोर्सेज होते हैं मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो अभी बी में है क्योंकि मैं टारगेट उन्हीं को कर रहा हूं बट अगर आप और कोई कोर्स कर रहे हैं लाइक बी -स -स या कोई और तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि अगर आपके मन में ये डाउट है क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं पहले सबके मन में ये डाउट था कि रेगुलर अच्छा होता है डिस्टेंस या ऑनलाइन बेकार होता है नहीं गवर्नमेंट ने भी कह दिया है भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी कह दिया है दोनों इक्वल है फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहो आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहो आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे किसी इंस्टीट्यूट में किसी फैक्ट्री में अप्लाई करोगे जॉब के लिए और आप एक बंदा है जो अपनी रेगुलर की डिग्री दिखा रहा है एक अपनी ऑनलाइन की डिग्री दिखा रहा है दोनों को डिग्री से मतलब वहाँ पर उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें मतलब होगा उसके बाद आपका जो इंटरव्यू लेवल है वो आपसे जब इंटरव्यू लिया जाएगा आप उसे कैसे हैंडल करते हो तो पहली बात तो अपने मन से यह निकाल दो कि ऑनलाइन में और रेगुलर में डिफरेंस है क्या नहीं डिग्री दोनों की सेम होती है वैल्यू दोनों की सेम होती है कोई फर्क नहीं होता अब कुछ अंतर होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए बात करते हैं एम करने की बात करते हैं पीजी करने की बात करते हैं कोई बड़ा डिप्लोमा करने की लेकिन फीस रेगुलर की पांच लाख सात लाख आठ लाख नहीं अफोर्ड कर सकते और वो लोग कैश में मांगते हैं सब मतलब वो इंस्टॉलमेंट में भी नहीं लेते लेकिन ऑनलाइन का कोर्स आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरु में जहाँ मिलता है कॉमर्स वाले बच्चों को फुल सपोर्ट तो आप भी सपोर्ट करें अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन और अगर मुझसे कोई बात वगैरह करनी है आपकी कोई क्वेरी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लो एस बी जे क्लासेस के नाम से और इसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आप कोई भी कोर्स अगर करने के लिए जा रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन तो उस कंडीशन में आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि मैं वो कोर्स रेगुलर करूं या डिस्टेंस से करूं ये सवाल मन में तब आता है जब आप ये सोच रहे हो कि मैं दो चीज़ें कर लेता हूं लाइक like, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर लेता हूं साथ में एक मास्टर डिग्री का कोई कोर्स कर लेता हूँ मैं अपने पापा का बिजनेस हैंडल कर लेता हूँ साथ में कोई कोर्स कर लेता हूँ मैं कोई स्किल सीख लेता हूँ साथ में कोई कोर्स कर लेता हूँ उस कंडीशन में माइंड में आता है कि यार रेगुलर करूँ क्या कॉलेज जाना पड़ेगा अब बचपन से कॉलेज स्कूल्स यही सब चल रहा है अब तो कम से कम हमें रिलैक्स मिलना चाहिए तो मैं आपके लिए बता दूँ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया गया है ओपन तो नहीं कहूँगा मैंने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है ठीक है ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया गया है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन आपको कोर्सेज कराती है सपोर्ट आपको देती है इंस्टॉलमेंट में फीस आपसे लेती है नॉलेज आपको कराती है किन के लिए बेनिफिट होगा ये चलो बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर की अगर आप कोई कोर्स रेगुलर करते हो तो उसके क्या क्या प्रोज एंड कोज़ होते हैं एक एक करके मैं बात करूंगा सबसे पहले देखो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती है सपोज़ आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप अपना सब्जेक्ट तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे अपनी क्लासेस तो अटेंड करोगे करोगे बट वहाँ पे कोई अगर फेस्टिवल चल रहा है एनुअल फंक्शन हो रहा है कोई डिबेट हो रही है कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है कोई स्पोर्ट्स का कुछ है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिससे आपकी अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा उसके अलावा बात करेंगे देखो इंटरेस्ट आपका बन जाता है कहीं ना कहीं क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज जाओगे तो आप दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देखोगे क्लासेस अटेंड करोगे तो आपका एक पढ़ाई में मन लगा रहेगा वो बच्चे जो खुद से मोटिवेटेड है उन्हें तो इस चीज़ से मतलब नहीं है वो तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें उन्हें तो पढ़ना है और वो अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन जो बच्चे कुछ केयरलेस होते हैं प्रेशर से ही पढ़ते हैं उनको मैं कहूँगा रेगुलर में जाके एडिशन लो फिर है ना अगर आपको लगता है कि हाँ मैं केयरलेस हूँ और मुझे जब भी पढ़ते हैं जब मुझे प्रेशर मिलता है टीचर कहते हैं स्कूल के कॉलेज वाले कहते हैं तो भाई आपके लिए फिर रेगुलर ठीक रहेगा ठीक है नंबर थर्ड इंटरनल्स अब आपको पता होगा रेगुलर में मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं से इंटरनल एग्जाम्स कहते हैं मंथली होते हैं क्वार्टरली होते हैं हाफ ईयरली होते हैं ये सब चलता रहता है है ना आप, ए, इस, आप सेमिस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं इंटरनल्स चलते रहते हैं तो उसमें क्या रहता है इंटरेस्ट बना रहता है स्किल्स सुधर जाते हैं आपके सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है ये उनके लिए होता है जो थोड़े से केयरलेस होते हैं अब उन्हें क्या है रेगुलर कॉलेज जाएंगे चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी पढ़ाई उनकी चलती रहेगी तो पास हो जाते हैं अच्छे से जो सेल्फ मोटिवेटेड है जिन्हें लाइफ में कुछ करना है उन चीज़ों तो फ़र्क नहीं पड़ता मैंने खुद इलेवन ट्वेल्थ बिना स्कूल ज़्यादा गए की थी क्योंकि मैं जॉब करता था फिनंशली स्ट्रॉगली थी मेरी फैमिली तो मैंने इलेवंथ का एग्जाम भी दिया था फाइनल का हाफ एल्ड के बेसिस पर मेडिकल लग के मैं ट्वेल्थ में पहुंच गया था और ट्वेल्थ में पूरे साल मैंने पढ़ाई भी की जॉब भी की पढ़ाई भी की जॉब भी की और एग्ज़ाम दिया और अच्छे से कुछ पोजिशन वगैरह आई कॉलेज में स्कूल में तो वो चीज़ मैटर करती है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता हाई फीस होती है तो कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑनलाइन अगर आप रेगुलर में कहीं पढ़ रहे हो तो दुगनी फीस आपको देनी पड़ेगी नो एडिशनल कोर्स आप कर सकते क्योंकि आप एक रेगुलर डिग्री के साथ मतलब कोई और छोटा मोटा डिप्लोमा कर सकते हो बट दो डिग्री साथ नहीं कर सकते अगर आप कोई और डिप्लोमा भी कर रहे हो कोई और स्किल सीख रहे हो तो आप अपने कॉलेज जाओगे कॉलेज का काम करोगे या फिर अपने उस कोर्स पे ध्यान दोगे तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है रेगुलर वालों के साथ अब बात करते हैं अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहते हो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी अभी यूनिवर्सिटी चल रही है अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे कैसे अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर मतलब अपने लिए चूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन में क्या है फ्रॉड भी बहुत होता है आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा फ्रॉड से आप अवेयर रहेंगे दूसरा आप ऑनलाइन के एडिशन लेते हो तो यूनिवर्सिटी के पास बहुत बच्चे हैं अब वो क्या है कि सही से गाइड भी नहीं कर पाते आप कोई ई भेजोगे रिप्लाई नहीं आता कोई मैसेज भेजोगे कॉल करोगे रिस्पॉन्स ही नहीं देते लेकिन आज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पहले एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ ठीक है तो उसके बारे में बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में और ऑनलाइन के बारे में जी हाँ दोस्तों वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ उसका नाम है कॉलेज विद्या कोलिज विद्या एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर सौ से भी ज़्यादा ऑनलाइन जो कोर्सेज़ की यूनिवर्सिटीज़ है और यहाँ पे आप कोई भी कोर्स चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर भी डिफरेंट फैक्टर्स में कर सकते हैं प्लस आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है एडिशन से लेकर प्लेसमेंट्स तक का सपोर्ट जी हाँ दोस्तों हर तरह का सपोर्ट आपको मिलता है टू मिनट के अंदर आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज चुन पाओगे कंपैरिजन आप यहाँ पे कर पाओगे वन स्टेप सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाता है और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं यानी कि आप फ्री अपनी काउंसिलिंग वगैरह करा सकते हो यहाँ पर ठीक है फ्री में आपको सपोर्ट मिलता है हर तरह से और उसमें क्या रहता है कि आपको गाइड करते हैं किसी भी तरह से और अच्छी बात यह है कि जैसे आपने यहाँ पर दो तीन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर किया और उसमें आपको लगा कि ये वाली अच्छी है तो आप यहीं की यही अप्लाई कर सकते हो और देखो यूनिवर्सिटी सपोर्ट करे ना करे बट यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं अब आपको करना क्या है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कॉलेज विद्या का आपको जाना है उस लिंक पर जाते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब आप यहाँ पे देखिए आपके सामने पीजी कोर्स यूजी कोर्स वगैरह सपोज आप पीजी कोर्स चुन रहे हैं तो देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं अब मैं मान लीजिए मैं ऑनलाइन एम करना चाहता हूँ मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे तो मैंने यहाँ पर अपना नाम वगैरह सेलेक्ट कर लिया ई मेल सेलेक्ट कर लिया कॉन्टेक्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लिया और सिटी अपनी सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप चाहो नहीं तो बाद में सेलेक्ट कर सकते हो कोई कंपलसरी नहीं है इतना करने के बाद बस आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जॉब कर रहे हो क्या कर रहे हो बस आपको दो मिनट लगेंगे इन सब सवालों के जवाब आपको अपने हिसाब से यहाँ पर देने हैं ठीक है कौन सा कोर्स आपने किया हुआ है क्या कुछ है ई कितनी दोगे तो बस आपको सबमिट कर देना है आपके सामने जो बेस्ट सजेशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे फिर आप उनमें से तो सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे आ चुके हैं सारी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे आ जाएंगे जैसे ऑनलाइन मलिपाल करके एल पी यू है एल पी यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आप तीन तीन यूनिवर्सिटीज को एक साथ कंपेयर कर सकते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सभी जानते हैं तो चलिए मैंने चंडीगढ़ को यहाँ पर ऐड कर लिया एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है काफी सारे देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है टॉप है भाई डी यू एस ओ एल आ गया आपके सामने आपके सामने एम आ गया तो मैं एम को कर लेता हूँ अब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने का क्या है कि यहाँ पे आपको सारा कंपैरिजन मिल जाएगा सब चीज़ों में एलिजिबिलिटीज़ के बेसिस पे प्लेसमेंट्स के बेसिस पे हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट्स मिलता है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करे ना करे ये वेबसाइट इनके एक्सपर्ट्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं आपकी गारंटेड यहाँ पर काउंसलिंग होती है अब सपोज आपको कोई भी क्वेरी है इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा ये देखो सारी चीज़ें आ गई इनके सर्टिफिकेट्स आ गए फीस आ गया अप्रूवल्स आ गया एलिजिबिलिटीज आ गई एजुकेशन कोर्स वगैरह सब कुछ प्लेसमेंट फैक्टर प्लेसमेंट किस तरह से है प्लेसमेंट असिस्टेंट है नहीं है तो ये सारी चीज़ें आ गई ठीक है रिव्यूज़ वगैरह भी आप चेक कर सकते हो और सपोज़ आपको अप्लाई करना है तो यहीं पे आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा यहीं पे आप देखो सीधा आ गया अब यहाँ पे आपको अपना स्पेशलाइसेंस सेलेक्ट करना है जो भी है और यहीं से आप जाके अप्लाई कर सकते हो ये है सिंपल तरीका अप्लाई करने का और यहाँ पे देखो दो मिनट से तीन मिनट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगते और आपको यहाँ पर सजेस्ट हो जाता है एक अच्छा कॉलेज ये ऑनलाइन के लिए अब बात करेंगे वाई ऑनलाइन क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है आजकल हम चाहते हैं कि जल्दी पैरों पर खड़े हो जाए एक है कि आप कोर्स करते जा रहे हो करते जा रहे हो आपकी एज होगी पच्चीस साल आपने ग्रेजुएशन कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ठीक है उस जॉब के लिए आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब की जॉब नहीं मिलती फिर आप कहते हो देश में बेरोजगारी है मैं कहूँगा अगर आप थोड़े से भी एलिजिबल हो आपने ग्रेजुएशन कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी आप कर रहे हो साइड बाय साइड आपके पास कोई छोटा मोटा स्किल है आपकी जॉब लग रही है तो करो कोई दिक्कत नहीं है आपको एक बार नॉलेज तो होगी जॉब की फिर आप कोर्स भी करोगे और जैसे कि मैंने बताया चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप रेगुलर करो दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो आपको खुद पढ़ने का मन करता है तो आप ऑनलाइन भी अच्छे से कर सकते हो आप अगर थोड़े से केयरलेस हो तो आपके लिए फिर रेगुलर ठीक रहता है ऑनलाइन की बात करते हैं सबसे पहले टाइम फॉर अदर थिंग्स अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो कोई और कोर्स करना चाहते हो तो उस कंडीशन में ऑनलाइन आपके लिए सबसे बढ़िया है ठीक है नंबर दो लेस फीस और कन्वीनियंस लेस फीस भाई देखो एज़ कम्पेयर टू रेगुलर फीस काफ़ी कम होती है ठीक है कन्वीनियंस होता है कन्वीनियंस के लिए होता है जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन एडिशन लिया आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लेक्चर मिल गए अब आप उसे जब चाहे पढ़ो और रात को आपको नौ बजे फ्री हो आप जॉब के बाद नौ बजे आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं लाइव सपोर्ट आपको मिल जाता है घर बैठे बैठे आप कनेक्ट हो जाते हो जबकि रेगुलर में क्या आप कॉलेज नहीं गए वो आपका सेशन छूट गया ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम नहीं होती तो ये बेनिफिट मिल जाता है बेस जो आपके फैकल्टीज हैं वो आपको ऑनलाइन टीच करते हैं तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो अच्छे से पढ़ सकते हो पे ऑन ऑनलाइन ई जो भी आपका फ़ीस वगैरह है वो ई में आप पे कर सकते हो कोई इशू नहीं है उसका पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है और एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर जब चाहे जहाँ से चाहे उस कोर्स को कर सकते हो अब आपको ये सोचना है कि रेगुलर करूँ क्या ये वो करूँ उसके लिए आपको बस अपनी इंटरेस्ट को देख लें अगर आपको ज़रूरी है कि मुझे पापा का बिजनेस संभालना है मुझे कोई जॉब करनी है मेरी फैमिली को पैसों की बहुत जरूरत है मुझे बहुत जरूरत है मुझे कोर्स करना है मास्टर्डी की बट मेरे पास पैसे नहीं है उस कंडीशन में आप बीकॉम करने के बाद कोई जॉब करो साथ में ऑनलाइन कोर्स कर लो और कॉलेज विद्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर लेना कोई भी क्वेरी हो आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं अब बात करते हैं वाई कॉलेज विद्या मैंने क्यों बताया कॉलेज विद्या के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि देखो फ्रॉड वगैरह भी ऑनलाइन बहुत होता है तो यहाँ पर एक तो आपको फ्रॉड से बचोगे आप कोई किसी भी तरह कोई फ्रॉड नहीं है एडिशन से लेके प्लेसमेंट तक का आपको फुल सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है ई में आप यहाँ पर पे कर सकते हो और वन स्टेप सोल्यूशन आपको मिल जाता है ये सबसे बढ़िया बात है और हंड्रेड फ्री टू यूज़ है तो दो मिनट में आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो ट्राई कर सकते हो उसका लिंक मैंने दे दिया तो बस अब आप थोड़ा सा सोचिए अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं दो चार पाँच सात लाख रुपए का एमबीए कराना पीजीडीएम या कोई बढ़िया डिप्लोमा किसी अच्छे कॉलेज से तो रेगुलर करो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपको नीड है जल्दी कोई कोर्स भी कर लूँ कमा भी लूँ या दो कोर्स एक साथ कर लूँ या गवर्नमेंट की तैयारी कर लूँ उस कंडीशन में आपके लिए ऑनलाइन अच्छा है लेकिन ये जो अपने मन में सवाल रखे हुए हो काफ़ी सारे कमेंट पढ़ रहा था मैं कि सर रेगुलर अच्छा है ऑनलाइन बेकार है डिस्टेंस बेकार है भाई बेकार नहीं है आज सबसे ज़्यादा बच्चे ये एक इतना मतलब इतना अच्छी चीज आ चुकी है कि गरीब भी अब पढ़ सकता है पहले क्या था कि बड़े बड़े कोर्स बड़े बड़े अमीर के बच्चे ही कर सकते हैं गरीब का अच्छा बच्चा रह जाता था अब ये सब नहीं है आप अपनी जॉब कर रहे हो पंद्रह सोलह हज़ार की बारह तेरह हज़ार की उसमें से आप अपना ईएमआई पे कर सकते हो कोर्स घर बैठे बैठे कर सकते हो अमेठी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से सिक्किम मलिपाल जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से या बड़ी बड़ी एल जैसी यूनिवर्सिटी से और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर दबा के कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हैं थैंक यू